सब्सक्राइब कीजिए हेलिकल शिफ्टर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो आज मैं रॉयल एनफील्ड बुलेट इलेक्ट्रा के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपको मालूम होगा कि जो बुलेट के नीचे सेंटर स्टैंड के ऊपर जो रबर आता है तो वो पूरा एकदम रगड़ के पूरा एकदम खत्म हो गया, तो मैं नया डालने वाला हूँ। तो बुलेट में जल्दी वो रबर खराब हो जाता है, वो शायद 6 महीने 7 महीने में भी पूरा एकदम खराब हो जाता है। तो दूसरे बाइकों का 1 साल 2 साल तक भी वो चलता है, तो वो एक इंस्टॉल करने वाला हूँ। दूसरा जो है बैटरी का बेल्ट, बुलेट में जो बैटरी को बांध के रखता है वो भी खराब हो गया मेरे दोस्त के गाड़ी में, तो वो भी हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो रबर स्ट्रैप में रबर का ये सेंटर स्टैंड का रबर में निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो ये सेंटर स्टैंड के ऊपर जाएगा, जस्ट ऐसा फिक्स करना है, वो होल में ऐसा जस्ट फिक्स करने का है। और दूसरा तो ये बैटरी का जो ऊपर आता है उसको बांध के रखता है, उसका बेल्ट है। तो ये दोनों भी खराब हो गया था टोटली मेरे दोस्त के गाड़ी में, तो ये दोनों रिप्लेस करने वाले हैं। इसका प्राइस आके आपको 10 रुपये में कहीं पे भी मिल जाएगा ऑटोमोबाइल स्टोर में। इसका प्राइस आके आपको दिखाता हूँ, इसका प्राइस 34 रुपीज़ है और ये थोड़ा सीनियर कंपनी का प्रोडक्ट है, ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का आपको नहीं मिलेगा ये। तो यही सेंटर स्टैंड का जोरा पर है, आप देख सकते हो पूरा एकदम रगड़ के पूरा एकदम खराब हो गया है। तो जब भी स्टैंड ऊपर करते हैं तो यहाँ पे लग के पूरा साउंड आता है। तो ये कोई भी रॉयल एनफील्ड का बुलेट का गाड़ी हो ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये रबर जल्दी खराब हो जाता है, तो ये भी रिप्लेस करेंगे आप। दूसरा जो ये बैटरी का बेल्ट है, दो बेल्ट ऐसा आता है, एक नीचे और एक ऊपर। ऊपर का टूट गया था एकदम खराब हो गया, पूरा बेयर होकर टूट गया, तो वो भी लगाना का है। अंदर आपको एक हुक मिल जाएगा, तो आपको ये बेल्ट का जो हुक उसको मैच करना है, जस्ट लगा देना है उस वो हुक से। और लेफ्ट साइड में भी सेम ऐसी प्रोसीजर है, हुक को आपको उससे कनेक्ट कर देना है, बस इसी काम है। कोई भी है आसानी से कोई भी कर सकता है। तो बेल्ट अब पूरा लग गया है, आप देख सकते हैं इसी है, कोई भी आसानी से कर सकता है। और दूसरा इसका फोर्क का बूट भी खराब हो गया, वो भी चेंज करने का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा फोर्क का भी ये बूट पूरा एकदम फट गया अभी वो, तो वो ये भी चेंज करना है। तो मैं लोकल मैकेनिक के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा ये निकालना पड़ता है पूरा फोर्क, ये पूरा आराम से निकाल के फिर उसको ये बूट को अंदर ऐसा रखना पड़ता है। तो अब हम लोग ये नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं लोकल मैकेनिक के पास जाके वो उनसे करवाता हूँ, वो लोग 5 मिनट में काम कर देगा आराम से। तो फोर्क का बूट मैंने ऑलरेडी खरीद लिया, तो ये ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट्स है, तो इसका प्राइस आके आपको 143 रुपीज़ एक बूट के लिए, और इसको 143, तो कुल मिला के आपको 300 रुपीज़ तक पड़ेगा दोनों मिला के। तो जेन्युइन पार्ट है रॉयल एनफील्ड का, मैंने लोकल
ऑटोमोबाइल स्टोर से मार्केट में से लिया था, तो आप भी वहाँ से लेंगे तो एकदम सस्ते में मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन ऑनलाइन में से ले तो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। तो ये था एक छोटी सी सिंपल सी वीडियो था रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा के ऊपर, तो बहुत सिंपल है, कोई भी ये कर सकता है। और फोर का जो बूट जो मैं मैकेनिक के पास जाके उनसे करवाता हूँ, तो हो सके तो मैं उसका भी वीडियो, अगर मैं ट्राई करता हूँ तो हो सके तो उसका भी वीडियो मैं आपको दे दूँगा। आपको पसंद आई तो एक लाइक दे देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे पुराने वीडियोस अपाच जो राखी के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाया था, तो वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टिल आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।